दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एआर एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त आकाश। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आप वीडियो की तरफ ले जाता हूँ। क्या आपको पता है कि रेल की पटरी पर कभी भी जंग नहीं लगता? यदि नहीं पता है तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो रेल की पटरी को देखकर आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि इसके पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता। आमतौर पर देखा जाए तो लोहे की वस्तु को पेंट नहीं किया जाए तो जल्दी उस पर जंग लग जाता है। लेकिन आपको बता दें कि रेल की ट्रैक पर किसी भी प्रकार का पेंट नहीं किया जाता, फिर भी इस पर जंग नहीं लगता, क्योंकि रेल की पटरी बनने के लिए स्टील और मैग्लॉय का उपयोग किया जाता है, जिसके मिश्रण को मैग्नीस्टील कहा जाता है, जिसमें लगभग 12% तक मैग्नीज और 1% कार्बन होता है। और इसी मिश्रण के कारण रेलवे ट्रैक का ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है और उस पर जंग जल्दी से नहीं लग पाता। बहुत लोगों का मानना है कि पटरी पर हमेशा ट्रेन चलते रहते इसलिए जंग नहीं लगता, तो ये मानना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रेन केवल ऊपरी सतह पर चलती जबकि साइड की सतह पर कोई भी घर्षण नहीं होता है, फिर भी उस पर जंग नहीं लगता। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क परिवहन का बहुत बड़ा साधन है, जिसके कारण पूरे विश्व में रेलवे नेटवर्क के टॉप 5 लिस्ट में आता है। यदि इसकी पटरी को कमजोर या नॉर्मल लोहे से बनाया जाए तो जल्दी से जंग पकड़ लेगी और बदलने में काफ़ी पैसा भी खर्च होगा तथा परिवहन व्यवस्था में परेशानी होगी, इसलिए मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये चलते रहता है कि यदि रेल की पटरी पर करंट लगे तो क्या होगा, क्या पटरी जहाँ तक है वहाँ तक करंट चली जाएगी, या ट्रेन वहाँ से जाएगी तो रेल में बैठे यात्रियों को करंट लगेगा। तो चलिए हम आपको आपके सवालों का जवाब पूरे डिटेल्स में देते हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से सही नहीं है। यदि हम रेल की पटरी पर करंट लगाएंगे तो विज्ञान का लॉजिक अर्थेट, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अर्थिंग कहते हैं, अर्थात जब हम किसी वोल्टेज की पूरी करंट को भूमि में जोड़ देते हैं तो पूरा करंट भूमि में चला जाता है और उसके आसपास हल्का सा करंट महसूस होता है, ठीक उसी तरह से करंट जमीन में चली जाएगी, वह पूरी पटरी पर नहीं फैलेगी और ना ही वहाँ से जाने वाली रेल में करंट जाएगा या ना ही उसमें आग लगेगी। लेकिन जहाँ तक करंट लगाया वहाँ पर हल्का सा करंट महसूस जरूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि रेलवे की पटरी पर करंट लगाने अथवा रेलवे की पटरी पर जंग लगाने के बारे में। इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ जवाब सवाल होंगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।